तो दोस्तों आपने देखा कि गाड़ी जो है आगे से उठी जा रही है, क्रेन जो है वो आगे से खड़ी हो जा रही है क्योंकि इसके टायर जो है पूरे जाम हो चुके हैं। और ये गाड़ी कम से कम 8 से 10 साल से यहीं पर खड़ी हुई थी और इसको अभी हाइड्रे की मदद से बाहर निकाला गया है। और आप इसकी पोजीशन देखिए, इसके ऊपर घास जमी आई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी। टायरों में जो है पूरी मिट्टी भरी हुई है और इसको अभी यादव जी ने अपने हाइड्रे से बाहर निकाला है। वो देखिए साइड में यादव जी जा रहे हैं और इन्होंने अपने हाइड्रे से इसको बाहर निकाल के खड़ा किया और उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे, तब हमने इसकी वीडियो बनाई। और ये ट्रक जो पीछे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यहीं पर ये गाड़ी जो थी खड़ी हुई थी, मतलब इस ट्रक के आगे ही खड़ी हुई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह भी जहाँ पर ये टायर गाड़ी खड़ी हुई थी, इसके आधे आधे टायर जो थे वो ज़मीन के अंदर गड़ गए थे। तो आपने शुरू में देखा कि जब इसे क्रेन ये छोटी वाली खींच रही है तो इसके टायर जो है बिल्कुल जाम है, तो हाइड्रे से पीछे से ज़ोर लगाया जाएगा तब ये गाड़ी चलने के लायक होगी और धक्का लगा करके इसको ले जाया जाएगा। और ये गाड़ी यहाँ पर क्यों पड़ी थी, क्या वजह थी, उसके बारे में जानकारी तो नहीं है और कहाँ जा रही है गाड़ी ये भी हमने नहीं पूछा। देखिए टायरों में पूरी मिट्टी की मिट्टी भरी हुई है क्योंकि कई साल हो गए इसको यहाँ पर खड़े खड़े, उस वजह से ये देखिए क्रेन जोर लगा रही है लेकिन गाड़ी हिल तक नहीं रही है, सारे टायर जो हैं वो जाम हो गए बुरी तरीके से। तो यादव जी का हाइड्रा भी पीछे से ज़ोर लगाएगा तब ये गाड़ी देखिए बढ़ रही है। आगे के टायर देखिए ये जाम, बीच वाले टायर जो वो रगड़ते हुए जा रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने साल हो गए गाड़ी को खड़े हुए यहाँ पर और क्यों खड़ी थी उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो गाड़ी निकाल लेते यादव जी, तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आप लोगों को दिखा दें कि जब गाड़ी जो है ज़्यादा पुरानी हो जाती है एक जगह पर खड़ी खड़ी तो कुछ इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। अब ये गाड़ी जो है पूरी इंजन के जो है खोली जाएगी, उसके बाद ही ये गाड़ी चलने के लायक होगी और इसकी बॉडी वगैरह भी सब गल गई है। देखिए किस तरीके से हाइड्रा जो है पीछे से धक्का लगा रहा है तब ये गाड़ी जो है चल रही है। और यादव जी देखिए संग संग जा रहे हैं इसके, तो बुरी पोजीशन है गाड़ी की, इस वजह से गाड़ी जो है चल नहीं पा रही है। और अभी मैं आपको चल के रोड के उस पार में दिखाऊंगा कि ये गाड़ी कहाँ पर खड़ी थी और किस तरीके से इसको बाहर निकाला गया, वो वीडियो तो हम नहीं बना पाए क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे। देखिए ये गड्ढा दिखाई दे रहा है आपको और एक पीछे गड्ढा है और यहाँ पर जो है कूड़ा कबाड़ पड़ता रहता है और यहीं पर ये गाड़ी खड़ी हुई थी और इसको हाइड्रे से उठा करके एक एक साइड करके फिर ऊपर रखा गया। ये देखिए यहाँ पर रखा गया और फिर इस गाड़ी को जो है खींच करके ले जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।